हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय सिखाते हैं। ये क्लास टेंथ वालों के लिए हिंदी में बहुत जरूरी है। देखिए उपसर्ग आपका कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा। और प्रत्यय कितना आता है? 2 नंबर का। आप पेपर में जाइएगा, देखिए हमने पेपर का भी इसके पहले भी हल करने का जिक्र किया था और ट्रिक बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे वीडियो को जाकर फिर से आप देख लीजिए। पर सबसे पहले पेपर में आपको श्लोक लिखना, हमने 3 श्लोक लिख कर उसमें डाला है। और सबसे इजी मेथड से, इजी तरीके से, इजी तरह से आप लर्न कर सकें उसको डाले हैं कि आप इतना इजी जो था संस्कृत में उसी को ढूंढ ढूंढ के निकाल कर हमने उसमें बहुत मेहनत करके हमने इसमें लिखा है। आप उसको जाइए, हमारे उसको देखिए, लाइक करिए, ये हमारी हो गई। देखिए आप अगर आपके नंबर अच्छे आते तो हमको बड़ी खुशी होती है। देखिए आज उपसर्ग और प्रत्यय को आप चुटकियों में हमें सिखा के दिखा देते कैसे आप सीखते हैं। देखिए ये मेरी क्रांति है। देखिए उपसर्ग, ये प्रत्यय। देखिए उपसर्ग में क्या होता है, कोई चीज आगे होती है। देखिए ट्रिक, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, जो ट्रिक है देखिए वही आपको बताते हैं। उपसर्ग में देखिए क्या आपको करना, आगे कोई चीज करना, आगे जोड़ना है। प्रत्यय में आपको देखिए क्या जोड़ना, पीछे जोड़ना। देखिए दोनों को एकदम आपको साथ साथ ले चलना है। उपसर्ग में क्या आगे क्या जोड़ना, वर्ण क्या जोड़ना है, वर्ण। देखिए इसमें भी वर्ण रहेगा। अब आपको ये हमको बताना है कि वर्ण होते क्या है। देखिए वर्ण क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। वर्ण जैसे आ हो गए, सू हो गए, जैसे जो है अप हो गए, ठीक है, जैसे क्या हो गए, जैसे सा हो गए, ये सब वर्ण होते हैं। क्या है, वर्ण हो गए। जैसे इसके वर्ण क्या होते हैं, जैसे आई है, ठीक है, जैसे बड़ी ई है, जैसे कोई भी इस तरह के वर्ण आएंगे इसी को आपको जुड़ना है। देखिए इसकी परिभाषा उपसर्ग की क्या होती है, वे वर्ण आप राइट करें, जब राइट नहीं करेंगे, देखिए इस पर लिखेंगे नहीं, आपको हम बोलते हैं आप लिख लीजिए। उपसर्ग की परिभाषा क्या, वे वर्ण, देखिए यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, वे, यहाँ वे लगा दीजिए, वर्ण जो, देखिए जो आगे जुड़कर, आगे जुड़कर एक नए शब्द की रचना कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर बात सुन लीजिए, वे वर्ण जो आगे जुड़कर एक नए शब्द की, जैसे इसे नया शब्द बन जाएगा ना, नए शब्द की रचना कर दे, ठीक है, या नए शब्द बना दे उसे उपसर्ग करते हैं। अब देखिए उल्टा कर दीजिए, वे वर्ण जो आगे जुड़ते पीछे करते, वे वर्ण जो पीछे जुड़कर एक नए शब्द की रचना कर दे उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। देखिए ये आगे जुड़ेगा, ये पीछे जुड़ेगा। अब ऐसे हम कुछ आपको वर्ड हम आपको जोड़ जोड़ के दिखाते हैं, तो आप जोड़िए मेरे साथ और सीखिए कि कैसे आपको बनाना आ रहा है कि नहीं। एग्जाम में 3 नंबर आपका देखिए न जाने पर, अगर 3 नंबर आपका चला गया समझिए आधा परसेंट चला गया, 3 × 2 = 5, 1% आपको बनाएगा। यह उपसर्ग का प्रत्यय मेरा दावा है, आप इसको गवाइए। देखिए जब भी पेपर आप लग रही है पहले श्लोक लिखिएगा, दूसरे को उपसर्ग लिखिए, तीसरे प्रत्यय लिखिए। देखिए श्लोक लिखेंगे 2 नंबर आपको मिलेगा, उपसर्ग लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा, प्रत्यय लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा। फिर समास लिखिए, समास के अभी हमने आपको बनाया, समास में 2 समास आ रहे हैं। कौन कौन सा समास है, देखिए दीर्घ समास और दंत समास, दोनों को हमने उसमें ट्रिक बनाया है। 2 नंबर आपको, हर चीज का हम ट्रिक बनाते हुए चले, सिर्फ आपको ट्रिक से बहुत शॉर्टकट में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उत्तर को भी हम आपको सिखा कर ही छोड़ेंगे, ये हमारी जिद है। देखिए मान लीजिए आप कोई वर्ड ले रहे हैं, जैसे वर्ड में आप ले लीजिए कोई भी वर्ड ले लीजिए जिससे आपको आसानी से आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका वर्ड है उपवर्ड दे दिया, अब उप से आपको एक नया शब्द बनाना है, तो उप से आपका क्या हो जाएगा, उपवन। देखिए आपका क्या हो सकता है, उपवन भी हो सकता है, उपहार भी हो सकता है, देखिए उपहार भी हो गया, इससे इसी तरह कई विषय से हो गया, ठीक है। जैसे उपयोग भी हो सकता है, क्या हो सकता है, उपयोग, ठीक है। अब देखिए उपवर्ड देखिए आगे आगे आ रहा है नहीं, देखिए आगे आगे आ रहा है नहीं, देखिए आप आगे आए नहीं, देखिए ये आगे है नहीं, है देखिए आगे जुड़ा है, देखिए ठीक नहीं। बस इसी तरह आपको एक एक वर्ड उसमें एग्जाम में आपको लिखने हैं, ठीक है। उप ले लिख लिए, अब दूसरा वर्ड हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए सू, सू वर्ड आ गया आपका, सू से आपको बनाना है, तो आप क्या बनाएंगे, सुलेख, क्या बनाएंगे, सुलेख है। देखिए कोई ऐसा वर्ड बनाइएगा जिसे अच्छा अच्छा रहे, सुलेख है, सुंदर है, ठीक है। देखिए ऐसे कोई वर्ड बना लिए सब पूरा, देखिए 2 हमने बना दिया आपका। फिर देखिए आपको हमने कोई और वर्ड ले लीजिए, जैसे अभी ले लीजिए, मान लीजिए आपका अभी हो गया,
देखिए अभी, अभी वर्ड से होगा तो अभिमान, क्या होगा अभिमान, फिर क्या होगा अभिशाप, क्या होगा अभिशाप। देखिए बहुत कठिन नहीं है इसलिए हम ज्यादा इसको नहीं बता बताते हैं, बस इतने सब समझ जाइए। अब इतना अगर आपको आ रहा है तो हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए वर्ड दे देते हैं। जैसे आप बनाइए यहाँ से, देखिए अभ्यास करिए, देखिए 100 वर्ड से बना लीजिए, दो चार से बना लेंगे आपको कुछ पक्का आ जाएगा। सा से बना लीजिए, अनु से बना लीजिए, ठीक है, अनु से बना लीजिए, परी से बना लीजिए, परी से बना लीजिए, परी को देखिए कुश बना लीजिए, कुश बना, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, नहीं भाई सभी लोग को दिखाई दे रहा, देखिए कुश बना लीजिए, कु के बाद देखिए उसके बाद आप अप से बना लीजिए। बस इतना सा आप पक्के हो जाएंगे, देखिए एकदम 100% पक्के आप हो गए मास्टर, एकदम 100% में कोई गारंटी नहीं है। अब हम आपको प्रत्यय में आपको लेके दिखाते हैं। देखिए प्रत्यय में जैसे मान लिया आई वर्ड अगर है तो आई वर्ड से कैसे बनाएंगे, देखिए नंबर एक हम आपको आई वर्ड से बनाए दिखाते हैं। देखिए आई वर्ड है तो आई से आप क्या बनाएंगे, जैसे क्या बनाएंगे, जैसे मान लीजिए चतुराई, देखिए चतु, देखिए आ से आठ की मात्रा हो जाए बड़ी, यानी चतु, देखिए रा पाक में रा लगा देंगे बड़ी की, देखिए चतुराई, चौड़ाई, क्या हो जाएगा चौड़ाई, लंबाई, देखिए आपका बनता क्या है, देखिए लंबाई, कुछ भी ऐसे वर्ड बनता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई, जैसे कोई वर्ड दूसरा ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ता आ गया, ता से आपको बनाना, देखिए ये पीछे जुड़ रहा भैया, देखिए पीछे जुड़ रहा है, ता से आप बनाएंगे जैसे सुंदरता, देखिए सुंदर, देखिए ता जोड़ देंगे तो आपका बन गया सुंदरता, ठीक है कि नहीं, देखिए सुंदरता हो गया, सज्जनता क्या हो गया, सज्ज, देखिए सन क्या हो गया, सज्जनता, सज्जनता, देखिए वर्ड जुड़ा ना, ये पीछे जुड़ना है बस इतने आपको ध्यान दे रहा है। मान लीजिए आपका कोई जैसे आइन लिख लीजिए, मान लीजिए एक वर्ड और बता देते हैं आपको, आइन, आइन वर्ड लिख लीजिए, जैसे सेठाइन, सेठाइन है, ठीक है सेठाइन, और क्या हो गया आइन से एकदम ललाइन, ठीक है। इसी तरह कोई वर्ड आप बनाते चलिए। अब इसको जो प्रैक्टिस के लिए आप वर्ड दे देते हैं, आप प्रैक्टिस भी इसका वर्ड कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आनी, देखिए आपको दो चार बनाएंगे तभी आपको आएगा, देखिए आनी, त्वा लिख दो, त्वा, देखिए एक, देखिए दो, ठीक है दो, त्वा त्वा बना लीजिए, त्वा त्वा, देखिए पन पन, ठीक है पन बना, देखिए पन से अच्छा वर्ड बनाइएगा, ऐसा कोई वर्ड ना बना दीजिएगा जो एग्जामिनर देखते ही आपका कमान बफला जाए, नंबर न दे, ऐसे लड़के को बनाने के लिए दीजिए तुमने लिख दिया कुत्तापन, कमीनापन, ये सब वर्ड मत लिखिएगा, अच्छे अच्छे वर्ड जैसे लिखिएगा। अगर आपको पन से नहीं आ रहा, जैसे बचपन, लड़कपन, भोलापन, पागलपन, मान ये सब तो चलेगा, लेकिन तो अच्छा, कुत्तापन, कमीनापन, दोगलापन, से मत लिख दीजिएगा नहीं एग्जाम काट देगा पक्का एकदम पूरा, ठीक है। देखिए पन के बाद आपको और दे देते हैं, अब इसे वाह दे देते हैं, वाह, देखिए वाह हो गए, एक तक इतना, पांच एक वर्ड आउट ले लीजिए वाह के बाद, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए वाह 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 के बाद आप आ जाइए आनी, आनी हो गया है मान लीजिए, और भी कोई वर्ड है आई, आई वाला मिस हो जाएगा, आई का और बना लीजिए अपने मत से, देखिए इतनी से तो पक्का परफेक्ट हो गए आपका, 5 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर आपको आप जरा से भी में इसमें ध्यान दिए होंगे तो पक्का से और आपका आपका 5 नंबर तैयार हो गया, श्लोक भी बना लीजिए, समाज भी देखिए 7 नंबर हो गया। अब हम अगला वीडियो में पर्यायवाची की ट्रिक बताने जा रहे हैं, पर्यायवाची और उसके बाद संधि विभक्ति शब्द रूप धातु रूप का ट्रिक बताने जा रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ जुड़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, अन्यथा कोई बात ही नहीं है। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।